रेवाड़ी सैनी सभा करेगी बुजुर्गों का सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को सैनी पब्लिक स्कूल में आयोजित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह करेंगे शिरकत। सैनी सभा की ओर से पूर्व कार्यकारिणी को भी किया जाएगा सम्मानित। इसी दिन समाज की ओर से पले स्कूल की भी रखी जाएगी आधारशिला। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सैनी सभा की ओर से 15 अगस्त के दिन समाज के बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सैनी सभा के प्रधान नवीन सैनी ने कहा कि समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते समाज के 500 बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सभी मतभेद भुलाकर पूर्व में रही कार्यकारिणी के सदस्यों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम बनाया गया है। वहीं सैनी सभा के गठन के एक माह के अंदर ही सैनी प्ले स्कूल का भी शिलान्यास केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के हाथों कराया जाएगा। वहीं सभा के पूर्व प्रधान चेतराम सैनी ने कहा कि चुनाव के दौरान जितने भी वादे किए गए थे उनको पूरा कराने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान सैनी सभा के प्रधान व पूर्व प्रधान ने क्या कहा। जो 15 अगस्त को हमारे मुख्य अतिथि राव इंद्रजीत सिंह जी आ रहे हैं, ओम प्रकाश एक जी साहब हैं, दिलबाग जी हैं, श्रीपाल जी हैं, हंसराज सैनी जी हैं और हमारी पूरी कार्यकारिणी और पूरा सैनी समाज और सभी समाज के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों का सम्मान करने के जो आयोजन किया उसके लिए बुलाई गई। माननीय राव इंद्रजीत जी, केंद्रीय मंत्री, सैनी प्ले स्कूल का भवन का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे श्री ओम प्रकाश यादव जी जो अति विशिष्ट अतिथि हैं हमारे, वो उस दिन आ रहे हैं। और श्री दिलबाग सैनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया सैनी समाज, वो भी वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। श्री श्रीपाल सैनी जी, श्री हंसराज सैनी जी और इंडिया सैनी समाज के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर आने का जो सबसे पहला, चुनाव जीतने के बाद जो हमारा एक वादा था कि हम जल्द से जल्द सैनी प्ले स्कूल की स्थापना रखेंगे, वो हमने एक महीने के अंदर अंदर, चुनाव जीतने के एक महीने के अंदर अंदर हमने अपने इस वादे को पूरा किया। इसका भवन का निर्माण जल्द ही आरंभ हो जाएगा और हम समाज को एक साल के अंदर अंदर इस भवन को पूरी कोशिश करेंगे इसको बना के तैयार करने की। दूसरा जो हमारा वादा था कि हम बुज़ुर्गों का सम्मान करेंगे, उसमें लगभग समाज के 500 से ज़्यादा बुज़ुर्गों को हम सम्मानित कर रहे हैं। उसमें कैटेगरी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, उसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों हैं। इसके साथ साथ हमारी पूर्व कार्यकारिणी, जो पहले कार्यकारिणी थी, उन सभी लोगों को भी, जो हमारा वादा था कि हम समाज को एक माला में पिरो के रखेंगे, उस माला को और मजबूत करने के लिए हम समाज के हर बुज़ुर्ग व्यक्ति को, पुरानी कार्यकारिणी को सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे समाज के वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में 10th और 12th में 90% से ज़्यादा नंबर लिए हैं और समाज का नाम रोशन किया है, हम उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जिन्होंने डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, MBBS, लॉ जो कर चुके हैं और जो कर रहे हैं प्रतिष्ठित कॉलेज से और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को और ऐसे व्यक्तियों को भी हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो कला के क्षेत्र में, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उपलब्धियाँ जिन्होंने दर्ज कराई है, समाज को, समाज का नाम रोशन किया है, ऐसे बच्चों को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। तो एक महीने के अंदर अंदर आपसे जो हमने चुनाव जीतने के बाद वादा किया था, प्ले स्कूल की स्थापना, बुज़ुर्गों का सम्मान और टैलेंट को प्रोत्साहन देना, उन सब चीज़ों को हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आरंभ कर रहे हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में हम इससे बेहतर सब मिलकर काम करेंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मोटिव था और जिसको हम 15 अगस्त को आरंभ करने जा रहे हैं आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, बहुत शुभ काम करने जा रहे हैं,
और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 सालों में इससे भी बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग काम और बहुत प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे। यही इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था। धन्यवाद।